जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट, परमाणु संख्या और द्रव्यमान से संबंधित पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने परमाणु संख्या अगर याद है तो द्रव्यमान कैसे याद रखा जाए इसको समझा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि गुरुजी ये परमाणु क्या है। हम लोग लगातार परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे होते हैं तो ये परमाणु क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण की बात करेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग तत्व के सूक्ष्मतम कण की बात करेंगे तो किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। आप सभी याद रखना, सर किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और मेरे मित्र इस एटम की अपनी एक नंबर होती है जिसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और इसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है। मतलब साफ है, पूरी तरह से क्लियर है कि सर जितने भी तत्व होंगे, अगर मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 118 तत्व है तो हमारे पास टोटल परमाणु कितना, आप कहेंगे सर 118 होगा। टोटल परमाणु कितना होगा, 118 होगा। और मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व है उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान किस तरह से याद रखा जाए ये सिखाया था। अब सवाल यहां पे ये है कि सर इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो मेरे मित्र इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमाणु के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी और चाहिए। एक चीज तो आप सीख गए हैं कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। अब आप सभी ये याद रखना कि अगर हम परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, सर गोलीय होती है। और ध्यान में रखेंगे इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो परमाणु है इसके 3 मौलिक कण होते हैं। यानी कि परमाणु किससे मिलके बनता है, तो सर 3 मौलिक कण से मिलके बनता है जो कि E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन और N4 क्या होता है, सर न्यूट्रॉन होता है। और इसी को हम लोग परमाणु का उप परमाणु कण भी कहते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु इन्हीं 3 कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली में परमाणु में व्यवस्थित तरीके से होते हैं, इर्द गिर्द नहीं होते हैं, मतलब इधर उधर नहीं होते हैं, ये जहां भी रहते हैं पूरी तरह से, मतलब कह सकते हो सुसज्जित तरीके से रहते हैं। क्योंकि आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने तो यहां पे बताया कि परमाणु गोलीय होता है और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये नाभिक कहलाता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं, तो इससे हमको क्या कंसेप्ट मिलेगा। इससे कंसेप्ट यही मिलेगा, आप सभी ये ध्यान में रखना कि किसी भी परमाणु में जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है, पी और एन होता है, किसी भी परमाणु में प्रोटोन और जो न्यूट्रॉन होता है वो कहां होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु के नाभिक में होता है। कहां पे होता है, नाभिक में होता है। और मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, सर इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान से क्या लेना देना है। मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान से लेना देना है। बस एक छोटा सा चीज ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्या कि जब भी चेला जी हम बात करेंगे किसकी, परमाणु संख्या की, किसकी बात करेंगे, परमाणु संख्या की, तो आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पीछे के सेशन में भी आपको बताया है परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब हम लोग फॉर्मूला के रूप में परमाणु संख्या इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आप सभी याद रखना प्रोटॉन की संख्या। क्या कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो मेरे मित्र हम लोग यहां पे जेड इक्वल टू क्या कह सकते हैं, सर पी कह सकते हैं। जेड परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मेरे मित्र, आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है? मेरे मित्र, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी तत्व के परमाणु की बात करते हैं तो हम सभी ये कहते हैं कि सर उसमें जितना आवेश धनावेश होगा उतना ही आवेश ऋणावेश होगा, तभी जाके न्यूट्रल उदासीन होगा। बिल्कुल। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग आवेश की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पे आवेश की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। बस फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं और प्रोटॉन पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, परिमाण उतना ही है 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन साइन हम लोग प्लस मान के चलते हैं। अब ये जो है आयन में कैसे परिवर्तित होता है? तो मेरे मित्र, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अस्थाई रूप से नाभिक में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके आयन बनाते हैं। तो जब परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर रहा होता है तब वो उदासीन कंडीशन में होता है, और जब वो उदासीन कंडीशन में होता है तो हम लोग उस पर चार्ज जीरो मानते हैं, लेकिन जब लॉस या गेन करता है तब सर लॉस और गेन के हिसाब से उसकी चार्ज बनती है। मतलब ये हुआ सर कि उदासीन कंडीशन में किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, और आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जेड इक्वल टू पी कहेंगे और पी इक्वल टू हम लोग ई कहेंगे। मतलब साफ है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो ये आपका किसी भी तत्व के परमाणु संख्या के लिए फॉर्मूला हो गया कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की, तो आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु द्रव्यमान को जब ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? सर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो A इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है इस दोनों का योग परमाणु द्रव्यमान बताएगा, और जो कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, या आप कह सकते हो कि सर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो परमाणु संख्या को बताएगा। तो हम परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं। याद रखिएगा क्या कि अब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि गुरुजी ए इक्वल टू हमारा पी प्लस एन हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा हमारा? पी प्लस एन। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो पी प्लस एन है, ये कहां है? तो सर नाभिक में है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं, या न्यूक्लियॉन की संख्या भी कहते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो आप सभी ये याद रखना कि चूंकि परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर परमाणु द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होगा? न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होगा। तो मेरे मित्र आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि गुरुजी ए जो है वो किसके बराबर होगा? न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होगा। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र, चूंकि आप कह रहे हो कि गुरुजी ए इक्वल टू पी प्लस एन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो मेरे मित्र यहां से हम दो चीजें हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? अगर प्रोटॉन की संख्या पूछ दी जाएगी तो हम लोग ए माइनस एन नहीं कह सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या पूछा जाएगा तो ए माइनस एन कह देंगे, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाएगा तो ए माइनस क्या कहेंगे? आप कहेंगे पी कहेंगे। क्या कहेंगे? ए माइनस पी कहेंगे। और मेरे मित्र परमाणु संख्या और द्रव्यमान से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना ही चीजें काफी है, इतना ही चीजें आपके अपने माइंड में रखनी है। पहला चीज तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन की संख्या सर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। और हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू पी प्लस एन, इसीलिए पी इक्वल टू ए माइनस एन और एन इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। यानी कि ये दो फॉर्मूला आपका यहां पर निकल गया, प्रोटोन की संख्या आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटोन की संख्या। आप कहेंगे सर इस पे सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो मेरे मित्र इस सेशन का पर्पस मेनली सवाल सॉल्व कराना ही था। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। अब इससे जो संबंधित सवाल पूछे जाते हैं मेरे मित्र, अगर ये पूरा चीज आप अपने माइंड में सेट कर लिए तो सवाल आपके लिए पूरी तरह से हलवा होगा। आप देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है, आपका ऑप्शन है 5, 14, 7, 11। अब ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान वाला हमने आपको टॉपिक बताया है कि कैसे याद रखना है। आपसे सवाल करा जा रहा है क्या कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन का जो परमाणु है इसकी संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 7। द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे गुरुजी 14, आपने बताया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हमको क्या बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। अच्छा, ये जो 14 है ये क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये तो ए है, और ये जो आपका 7 है ये क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये जेड है, और ये जो जेड है चिला जी ये एक्चुअली में क्या है, आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या। क्यों, क्योंकि सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो आपके नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी, आप कहेंगे सर 7 ही है। अच्छा, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, ए कितना है 14 और प्रोटॉन की संख्या माइनस 7, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया आंसर, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैज 15 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स मास नंबर। मतलब एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और साथ में 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, चिला जी सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ए इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे 22 और 15 37 होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। मेरे मित्र परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, परेशान मत होइएगा, अभी हमने आपको जस्ट सिखाया है कि परमाणु संख्या जो जेड होता है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। आपके क्वेश्चन में 298 क्या दिया हुआ है, सर जी ए इक्वल टू हमारा 298 परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 188। मेरे मित्र अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि अगर हम प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे तो ए माइनस एन करेंगे, भाई मेरे आपका प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर ए माइनस पी के बराबर हो, सॉरी ए माइनस एन के बराबर होगी, तो ए आपका कितना है सर जी 298 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है सर जी 188। तो मेरे मित्र 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और ये कितना हो गया सर 110, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, सही आंसर क्या होगा 110। और ध्यान में रखिएगा प्रोटॉन की संख्या 110 है, मतलब परमाणु संख्या भी 110। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है सर, नीचे कमेंट करके आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा परमाणु क्रमांक है, यहां पे क्रमांक बोले तो संख्या, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी ना बताएं कि परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं और ए से किसको निरूपित करते हैं, तो आप सभी कहेंगे परमाणु द्रव्यमान को निरूपित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किससे निरूपित करते हैं, ए से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। भाई मेरे न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, या फिर हम लोग क्या कहेंगे कि सर प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या कह सकते हैं।
ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, आप कहेंगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको दूसरा और देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर पूछा जा रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, तो एन इक्वल टू ए माइनस पी होता है। तो आप कहेंगे ए तो परमाणु द्रव्यमान है और पी प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को बताएगी। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। हड़बड़ाइएगा नहीं, पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक तो परमाणु संख्या, आप क्या कहेंगे? परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। मेरे मित्र यहां पे सवाल करा जा रहा है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु के क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, मतलब ए माइनस जेड। क्या कहेंगे कि गुरु जी न्यूट्रॉन एन इक्वल टू ए माइनस जेड? भाई मेरे n इक्वल टू ए माइनस पी लिखते हो ना, तो p प्रोटॉन की संख्या को बता रहा है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, परमाणु संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम n इक्वल टू ए माइनस जेड बोल लें या n इक्वल टू ए माइनस पी बोल लें, बात तो बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जो सवाल करा जा रहा है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, आप कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही हमारा प्रोटॉन की संख्या होगा, परमाणु संख्या कितनी? N, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सर प्रोटॉन की पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो कितना है? तो सर z इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 19 और द्रव्यमान संख्या 39, न्यूट्रॉन की संख्या n इक्वल टू ए माइनस पी, 39 माइनस 19 कितना हो जाएगा चेला जी? आप कहेंगे 20। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि F9, ये आपका F9 और 19 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, नहीं लिखिएगा? आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ई तो परमाणु संख्या के बराबर है, तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन की संख्या तो 9 फिक्स हो गई, और जब चला प्रोटॉन संख्या फिक्स हो गई तो आप कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉनों संख्या तो 9 ही ना होगा, का है? तो z इक्वल टू p इक्वल टू e, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप बता दो कि इसमें सर प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 और परमाणु द्रव्यमान 19 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 19 माइनस 9 का है, तो सर ए माइनस पी इक्वल टू एन लिखते हैं ना हम लोग, तो ए आपका 19 है और प्रोटॉन की संख्या सर 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आपकी कितनी हो गई सर जी? 10। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। 10 प्रोटॉन है, गलत है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी 17 और 10 27 होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या आपसे जेड पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर जेड जो है वो तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहां पे क्या निकालना है? सर प्रोटॉन की संख्या। आप कहेंगे कि सर पी इक्वल टू ए माइनस एन हो जाएगा, ए कितना है 298, न्यूट्रॉन की संख्या 189, तो क्या कहिएगा? 9 9 18 हो जाएगा और 9 9 18 और 8 1 9 और ये 109 हो जाएगा, तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोटियम, 7 4 2 0 क्या होगा?
बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे, प्रोटियम को नया तत्व है, कोई नया तत्व नहीं है चिल्ला। याद रखना कि हाइड्रोजन के अगर हम लोग समस्थानिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे चिल्ला जी, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करेंगे तो तीन समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। पहला समस्थानिक को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा समस्थानिक को हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और तीसरा समस्थानिक को हम लोग सर इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। अब चला जी, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रोटियम है इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप सभी याद रखना एक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हम लोग कितना ले रहे हैं सर, एक ले रहे हैं। अब इसमें इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है सर, एक है। याद रखिएगा कि इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। आप कहिएगा कैसे नहीं मौजूद होता है, तो भाई मेरे आपका अगर हम प्रोटियम के लिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो n इक्वल टू ए माइनस पी कहिएगा कि नहीं कहिएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कहेंगे सर। तो n अगर हम निकाल रहे हैं तो परमाणु द्रव्यमान एक है, परमाणु संख्या एक है, तो एक माइनस एक कितना होगा? आप कहिएगा जीरो। तो हम आपको सीधे कह दिए कि प्रोटॉन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? अब सर बिल्कुल सही है, हम लोग नियम से भी जाएंगे तो कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या आप कहेंगे जीरो, सही आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगर सवाल पूछ देता कि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो आप कहते एन इक्वल टू ए माइनस पी, तो सर जी दो माइनस एक, एक न्यूट्रॉन हो जाता। और ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन है, तो हम लोग क्या कहते कि सर तीन माइनस एक, दो न्यूट्रॉन हो जाता। क्यों? क्योंकि एन इक्वल टू ए माइनस पी होता है। तो मेरे मित्र अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और इतना सा बेसिक कंसेप्ट मालूम है, कोई भी क्वेश्चन दे दे आप नहीं उसमें फंसेंगे, आप उसको आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः क्या है? आप कहेंगे सर जो समस्थानिक ट्राइटियम है उसका परमाणु क्रमांक एक और द्रव्यमान संख्या तीन है। तो देख लीजिए एक और तीन किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। मेरे मित्र ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो भाई मेरे अगर आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से संबंधित बस ये बेसिक बातें मालूम है, तो आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आप धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरल तरीके से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।